स्पॉन्सर्ड बाय एजुकेशन पॉइंट मंडी, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्जाम्स। ये हमारी हर विधानसभा के अंदर ये बदलाव मार्च का एक एपिसोड है जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी शुरू किया है। आपको मालूम है जैसे हमने परसों सुमटी में भी निकाला है, छोटा शिमला से सुमटी तक, उसी सिलसिले कड़ी में ये भी आज यहाँ होना था और निश्चित था। और उसी तरीके से जो है प्रदेश की 68 की 68 विधानसभाओं में जो है बदलाव रैली का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी संगठन को मजबूत करने के तरीके तौर तरीके हैं वो हम सब अपना रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा जैन साहब की जो गिरफ्तारी जो है मोदी के इशारे पर हुई, और मोदी साहब ने जो सीबीआई और ईडी को अपना बपौती बनाया हुआ है, अपनी जागीर बना के रखा हुआ है इन दोनों एजेंसीज को, अपनी पॉलिटिकल विरोधियों को, पॉलिटिकल जो इनके मित्र हैं और ईमानदार लोगों के लिए जो उन्होंने ईडी का जो हिसाब किताब रखा हुआ है उनको अरेस्ट करवाने का, उनको परेशान करने का, उनके परिवार को परेशान करने का। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की अगर बात करनी है तो मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश जब वो फौरज एसीएस फौरज थे उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जो आज उसमें लाखों रुपए का गबन है। जितने मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में वो लैंड सीलिंग से ऊपर उनके पास लैंड है, और जरूरत से ज़्यादा उन्होंने जो आय से अधिक जो संपत्ति अर्जित की है उसको लेकर के भ्रष्टाचार, उन्हें ईडी क्यों नहीं काम आई, हुआ सीबीआई क्यों नहीं काम आई। सीबीआई और ईडी का ये मेरा मानना है कि प्रायोरली मोदी के अंदर वो काम करती है, उनके इशारों के अंदर काम करती है और जट उनका कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा गुड़िया कांड में सीबीआई इन्वॉल्व थी, क्या रिजल्ट निकला सीबीआई का, एक टॉप क्लास की एजेंसी है हिंदुस्तान में सीबीआई। और उसी तरह के डकैती मर्डर चोरियां हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, पेपर लीक पुलिस का जो पेपर लीक मामला हुआ, एचआरटीसी में कंडक्टर को उठाला हुआ, और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन हमीरपुर में जो जेओआईटी के जो धांधलियां हुई है भर्तियों में वो देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी में बैकडोर एंट्री भाजपा आरएसएस के लोगों को की भर्ती हो रही है टॉप क्लास की पोस्टों में, सिकंदर जो है वहां के जो वीसी थे पूर्व में जिनको रिवार्ड के तौर पर एमपी राज्यसभा बनाया गया, उनके उन्होंने अपने भतीजे भाई भतीजा बाद वहां फैला करके एंट्रेंस में जो कई सब्जेक्ट्स में जो है बिना एंट्रेंस के जो है एंट्री दी है, पीएचडी में जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो बाहर है। आज आलम देखिए आप, प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार जो है आज सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके बारे में मोदी साहब ने कल कुछ नहीं कहा, और 15 लाख आना था स्विस बैंक से प्रत्येक भारतीय के खाते में, उसका कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियां मुहैया करवानी थी बेरोजगारों को एक साल में, 8-16 करोड़ नौकरियां आज तक होनी चाहिए थी, वो देश को बेच के रख दिया है। रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक, LIC, तमाम तरह के जो प्रतिष्ठान है देश के वो मोदी, अदानी और अंबानी को बेच दिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।